डियर स्टूडेंट्स, द विशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका एक कंप्लीट एनालिटिकल चार्ट के बारे में। और ये जो एनालिटिकल चार्ट है ये सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया लग पाएगा कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और लगभग हम तीन से लेकर के पाँच सालों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आते हैं या एलसीएम एससीएफ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट हम एनालिटिकल चार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूँ कि अपनी जो नोटबुक है ना, जब भी आप वीडियोज़ देखें मेरे साथ तो अपने साथ रखें, उसको नोट डाउन करोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। आपने एग्ज़ाम पैटर्न को नोट डाउन किया है, आपने कंप्लीट सिलेबस को नोट डाउन किया है, सिलेबस को तो नोट डाउन कर लिया, जब आप एनालिटिकल चार्ट बनाओगे ना पूरे बिल्कुल दो पेजेस में कंप्लीट चार्ट्स को बनाओगे आपको आइडिया लग जाएगा यार ये टॉपिक है ना इस सब्जेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आप खुद एनालिसिस करोगे मेरे साथ, वो भी इस वीडियो में कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले हम मैथमेटिक का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और मैथ्स के अंदर टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा, एक तरफ सीरियल नंबर्स और एक तरफ टॉपिक, और ये ईयर्स लिखे हुए हैं कि 2003 में नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसी तरीके से 2022 में नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए थे, 2021 में नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि एक चीज़ आपको यहाँ से ये समझ में आती है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से कम दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। आप पूरे पिछले पाँच सालों का पैटर्न देखिए, नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब अगर नंबर सिस्टम के टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर लिया, जो भी इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं अगर हमने उनको कंप्लीट कर लिया तो हमारे 8 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे अगर दो भी क्वेश्चंस आ गए। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, यानी कि कंप्लीटली आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, मैंने आपको बोला है हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूंगा लास्ट तक, बस आप मेरे साथ चलते रहिए। इसी तरीके से जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे 101% सिलेक्शन होगा यार। मैं कहता हूँ कि 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही जगह पे सारी हम तैयारी करें और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी। आप देखिए एलसीएम और एससीएफ, एलसीएम और एससीएफ में 23 के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 22 के अंदर क्वेश्चन आया, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है। इसी तरीके से आप देखिए फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चंस आता है, 19 में क्वेश्चंस नहीं आए थे लेकिन बाकी क्वेश्चंस आए थे। सिंप्लीफिकेशंस को भी आप देख सकते हो, उसी तरीके से स्क्वायर एंड क्यूब रूट का भी आप देख सकते हो, क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और इंडेक्सेस एंड सर्ट्स के भी देखें तो यहाँ भी क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और हर साल आए हुए हैं। परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। इसी तरीके से और भी हम एनालिसिस करेंगे टॉपिक्स का, मैथमेटिक्स के तो आपको समझ आएगा, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का देखें तो यहाँ भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आता है। और रेशियो प्रोपोर्शन को देखें कभी आता है कभी नहीं आता है, टाइम एंड वर्क से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, अगर एक बार छोड़ दिया जाए 19 का तो नहीं आया, बाकी तो क्वेश्चंस आए ही आए हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें क्वेश्चंस आते हैं नहीं भी आते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो यहाँ पे हमें तैयारी ध्यान रखना। देखिए आपको है ना जो एग्जामिनर है उसके पैटर्न को भी समझना है कि यार पिछले 2-3 सालों से इस टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चंस आ रहा है, इस बार आ सकता है। तो जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि अभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा गया है, आगे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ध्यान से तैयारी करी ना तो बिल्कुल आप 90% 95% तक गेन करोगे मार्क्स, ये मेरा दावा है। एरिया एंड पेरीमीटर, देखिए दो चीज़ें होंगी, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली ना ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको हेल्प मिलने वाली है जब आप ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हो। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये पूरा एनालिसिस हमने किया मैथमेटिक्स के 14 टॉपिक्स का, और भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योमेट्री से देखिए, ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपने ज्योमेट्री कर ली ना अच्छे से आप ये मान के चलो मोर देन 5 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। 18 में 2 क्वेश्चंस आए थे, बाकी हमेशा 4 से 6 7 9 क्वेश्चंस आए थे 2023 में केवल ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में आपका सारे टॉपिक्स आ जाएंगे।
चाहे वो रेक्टेंगल की बात करें, ट्राइंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, सबसे एरिया पैरामीटर सब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ज्योमेट्री मैंने एक टॉपिक का नाम रख दिया। एलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर ज्योमेट्री और एलजेब्रा कर लिया तो आप समझ जाओ कि आठ क्वेश्चन इसके और नौ क्वेश्चन इसके, मतलब 10 से 20 क्वेश्चन तो इसी में ही मान के चलो, 18 से 20 क्वेश्चन तो यहीं आ गए, मतलब कि 30 से 40 मार्क्स आपके केवल और केवल ज्योमेट्री और एलजेब्रा दो टॉपिक्स को करने से आएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्टैटिक्स भी है, स्टैटिक्स में भी तीन क्वेश्चन आए थे पिछले साल, बाकी एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन आए हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा हैंडलिंग के टॉपिक्स, इससे भी क्वेश्चन आए हैं, 3, 2, 4 आप देख पा रहे हो, बीच में क्वेश्चन नहीं आए लेकिन फिर क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब आप पैटर्न को देखो। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी तो एक या दो क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है प्रोबेबिलिटी का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एवरेज से क्वेश्चंस अभी पिछले 4 सालों से नहीं आए लेकिन एवरेज के क्वेश्चंस आएंगे 2024 में, ये मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर पिछले 2-3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, मतलब एवरेज से ये मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, एवरेज को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि डिविडेंड हो गया, शेयर्स हो गए, इससे क्वेश्चंस एक बार आया था 19 में, फिर नहीं आया, लेकिन हाँ इसको हम प्रॉफिट लॉस में जो टॉपिक्स हैं उनमें एक क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज हम देख लेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आए हैं, पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहे थे, और यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन आए हैं, इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट मिसलेनियस जो कि अलग डिफरेंट कुछ पूछ दिया, तो एक क्वेश्चन से ऐसा आया था 22 में। देखिए इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और 50 क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हो दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझ आ चुका है कौन कौन सा, एक तो ज्योमेट्री वाला टॉपिक्स हमारा और एक अलजेब्रा वाला, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर साल की बात है, तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा है ज्योमेट्री और अलजेब्रा। माइंड में आपको एक चीज समझ में आ गई, जब हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, देखिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी तैयारियां करेंगे, कोई भी हमें कुछ भी बता के चला जाएगा, कुछ भी पढ़ लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हमें तैयारी करना है लेकिन सही तैयारी करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम इंग्लिश का भी एनालिसिस कर लेते हैं, जब आप एनालिसिस करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हो, सिलेबस देखते हो, इन सबको साथ लेकर के जब तैयारी करते हो ना, तो आपकी तैयारी सही होती है। तैयारी नहीं करना है, सही तरीके से तैयारी करना है, केवल तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। कि यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चों का एक माइंडसेट होता है, वो क्या करते हैं, एक वीडियो यहाँ देखी, दो वीडियो यहाँ देखी, तीन वीडियो किसी दूसरे चैनल पे देख ली, और ये व्यूज के बेसिस पे जज करने लगते हैं। आपको क्या करना है ना, एक चीज को पकड़ना है और वहीं पे सारी चीजें कंप्लीट करनी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, उससे आपको आइडिया लग पाएगा। सिलेबस देख लो, एनालिटिकल चार्ट देख लो, और फिर देखो कि क्या ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, क्या कुछ भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है, तो वो कब हमें पता चलेगा, जब हम एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा। इसीलिए तो मैं एनालिसिस पहले करा रहा हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको समझ आएगा, आप खुद मुझे करेक्ट करोगे कि सर ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं हुए, आप हमें कराइए। इसीलिए मैं एनालिसिस पहले करा रहा हूँ कि क्या हुआ, लोग बाद में कराते हैं, पेपर आते हैं तब कराते हैं, अरे यार ये क्वेश्चंस आएंगे ये नहीं, पहले कराओ ना, आपको आइडिया लगेगा कौन से टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करना जरूरी है, अगर टाइम हमारा नहीं बचता है। या वैसे तो मैं बहुत पहले ही कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, फिर रिवीजन टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यही सब चलते रहते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, मैंने आपको बोला है मैसेज करना है आपको, व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, 101% गारंटी देता हूँ मैं, सिलेक्शन आपका होगा। देखिए बट आपको है ना मेरी बात माननी होगी बस, और कुछ भी नहीं, आंख बंद करके विश्वास करना होगा। जब आप विश्वास करते हो 100% तो ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अब खुद के अंदर डाउट है कि सही पढ़ रहे हैं कि गलत, मैं एनालिटिकल चार्ट बता तो रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें फिर क्या दिक्कत है। चलिए इंग्लिश में देखिए, सेंटेंसेस रिलेटेड दो क्वेश्चंस आए थे 23 में, दो क्वेश्चंस 22 में आए थे, इससे पहले नहीं आए थे। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हर बार, कंप्रेहेंशन पैसेज तो फिक्स है कि पैसेज देगा उस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो पैसेज के अंदर भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी अलग से भी कोई वर्ड्स दे दिया जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं भी आते, एक आध बार आ गया तो आ गया, अब इस बार आ भी सकता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें ना, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, वैसे पिछले साल नहीं आया था लेकिन हाँ आ सकता है आने वाले क्वेश्चन, आने वाले सालों में। तो हमें पैटर्न्स को भी जज करना है, फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस को भी करना है, और भी और हम एनालिसिस करेंगे ध्यान से, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड पिछले 2 सालों से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन हाँ इस बार आएंगे। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आर्टिकल्स हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब से तो क्वेश्चन आना ही आना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं,
और वर्ड्स इन अ सेंटेंस का जो फॉर्म होता है उससे भी आते हैं, और टेंसेस से तो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइसेस के रूप में आ जाए, चाहे टेंसेस को चेंज करने का आ जाए, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नरेशन हो गया, वॉइस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, कॉम्प्रहेंशन ऑफ एडजेक्टिव, प्रोनाउन, चेंज ऑफ नंबर, आप इन सब का डेटा देख सकते हो कि किससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक्स मैंने केवल लिखे हैं, उन टॉपिक के बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि किसका वेटेज ज्यादा है। इसी तरीके से एडवर्ब हो गया, कंजक्शंस हो गए, क्वेश्चन टाइप हो गया, अभी पिछले 2-1 साल से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, कंडीशनल से भी नहीं पूछा जा रहा है ज्यादा, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, पंक्चुएशंस कभी पूछ दिया है कभी नहीं पूछता है, नाउन से इस बार क्वेश्चन आया था तो नाउन से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब अगर हम देखें और ध्यान से तो मिसलेनियस में भी देखिए कुछ डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे थे, पिछली बार भी 3 क्वेश्चन ऐसे थे, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। मैंने एक आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया है जिससे कि आप जज कर पाओगे कि जो चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ेंगे या जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या चीज़ें, किन चीज़ों पर ध्यान देना है। मैथमेटिक्स का हमने डिस्कस कर लिया, इंग्लिश का भी डिस्कस कर लिया, अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साइंस का, साइंस का मैंने 3 सालों का डेटा लिया है और फोर्स एंड प्रेशर से क्वेश्चंस आए हैं, साउंड वाले टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑन इलेक्ट्रिक इससे क्वेश्चंस आए हैं, लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, नेचुरल फिनोमेना हो गया, सोलार सिस्टम हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो फ्यूल्स हो गया, फ्लेम हो गया, सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशंस, लिविंग एंड नॉन लिविंग, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस आए हैं हर बार, तो ये इनका वेटेज ज़्यादा है। ये टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, लिविंग, नॉन लिविंग, रिप्रोडक्शन, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया और हर बार पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। ये कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार आया था 23 के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें ध्यान से तो मिसलेनियस से कोई क्वेश्चन तो नहीं थे, इस तरीके की साइंस का पूरा आपको पैटर्न समझ आ चुका होगा कि साइंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम सोशल साइंस की बात कर लेते हैं कि सोशल साइंस को जब हम एनालिसिस करते थे हमें क्या चीज़ें मिलती थी, कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, सारे हम सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे और उनके टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, मुगल वाले टॉपिक से आया था, भक्ति मूवमेंट से कोई क्वेश्चन इस बार तो नहीं आया लेकिन हाँ 222 में पूछा गया था। इसी तरीके से रिवोल्ट 1857 से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तो मान के चलो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, उससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स मूवमेंट्स और फ्रीडम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार 3 क्वेश्चंस आए थे, पिछली बार 2 क्वेश्चंस आए थे, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से तो ज्योग्राफी में जो आपको टॉपिक्स पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड इस बार कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, लेकिन हाँ रॉक, वाटर और अर्थ इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, विंड सिस्टम से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था लेकिन हाँ सॉइल, वाटर और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो हर बार पूछा जाता है। ये टॉपिक नंबर 10 आप देखिए ध्यान से, हर बार क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 के अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था लेकिन हाँ 22 में क्वेश्चंस पूछा गया था। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 23 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर से, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और हर बार आते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि किस टॉपिक को हमें कितना वेटेज देना है। और टॉपिक में अगर आप देखो मेजर जो ग्रासलैंड्स हैं उससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक आध क्वेश्चंस आ गया था इस बार, इससे पहले नहीं पूछा गया है, तो लाइफ और डेजर्ट्स में कैसी होती है इसे एक आध क्वेश्चंस आया था इस बार, इंडस्ट्रीज रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे 2 और ह्यूमन रिसोर्सेज से क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ध्यान देना है कि किस टॉपिक्स पर हमें वेटेज देना है, किस पर ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिविक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो और सेकुलरिज्म इससे क्वेश्चन तो हमेशा आया है और इस बार भी आया था, 2 क्वेश्चंस इसके भी आए थे 23 में, और पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया था, और हाँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चंस इस बार तो नहीं आया था लेकिन हाँ 22 में आया था। अंडरस्टैंडिंग मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा और मार्केट से रिलेटेड तो क्वेश्चंस और आते रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो उसके मार्केट के बारे में ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, उसके रिलेटेड टर्म्स कुछ हैं उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और मैं खुद भी प्लान कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट के ऊपर भी और वीडियोज लाई जाएँ और
उसका एक कंप्लीट कोर्स बनाया जाए, रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया था, एक आध क्वेश्चन इस बार आ गया था, सोशल जस्टिस 22 में आया था, जुडिशियल सिस्टम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से क्वेश्चंस आया था, लेकिन वो भी 2022 में 23 में नहीं आया था। सोशल साइंस का अगर हम एनालिसिस देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा मार्जिलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़, आर्ट्स में चेंजेस, इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस टॉपिक्स नहीं आए थे, मिसलेनियस हमें आप कह सकते हो कि इस बार तो नहीं आया, लेकिन आप पिछले दो सालों में 5-5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, और इस बार करंट अफेयर्स नहीं आया था, तो 25 क्वेश्चंस सोशल साइंस के हो गए। अब हम बात करते हैं, हमने सोशल साइंस देख ली, साइंस देख ली, हमने इंग्लिश देख ली, हमने मैथ्स देख ली, अब हमारा एक और टॉपिक बचता है, वो है इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी टेस्ट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 7 क्वेश्चंस तो आते हैं, 7-8 क्वेश्चंस तो कंफर्म है, बस 22 में कम आए थे, लेकिन एनालॉजी टेस्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसिंग नंबर्स, ये दोनों टॉपिक्स कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आपके करीब 10 से 12 क्वेश्चन हो गए, और ये कन्फर्म है। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, 22 में, 21 में भी, और हर बार पूछे जाते हैं, आप ऐसा मान के चलो 1918 को छोड़ दिया जाए तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, डिकोडिंग से एक क्वेश्चन आ गया था, कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे कि इस डेट में इस तारीख को क्या था, ये क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड आउट कंडीशनल नंबर रिलेटेड अभी तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हाँ एक बार क्वेश्चन आया था 2020 में। इसी तरीके से हम एनालिसिस करें इंटेलिजेंस को और, तो आप समझ पाओगे कि वर्ड फॉर्मेशन से पिछले 2 सालों से क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, लेकिन हाँ उससे पहले आते थे वर्ड फॉर्मेशंस। ब्लड रिलेशन 23 में नहीं आया, लेकिन इस बार आएगा 3 से 4 क्वेश्चंस में, कंफर्म बता रहा हूँ। डायरेक्शन टेस्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन हाँ इससे पहले आ चुके हैं, 23 को छोड़ दिया जाए तो बाकी ईयर्स में आ चुका है। क्यूब एंड क्यूबॉइड से आया था, 1920 के बाद क्यूब और क्यूबॉइड रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं। स्क्वायर क्यूब कोई क्वेश्चंस नहीं आया है। सीरीज टेस्ट की बात करें तो हाँ क्वेश्चंस इससे इस बार तो नहीं आया, लेकिन इससे पहले आ चुके हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस तरीके से आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बोर्ड मार्क्स के रूल्स होते हैं कि अगर प्लस की जगह पे माइनस रख दिया जाए, माइनस की जगह पे डिवाइड रख दिया जाए तो उसके कैलकुलेशन क्या होगा, इस तरीके से आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप एनालिसिस करोगे टॉपिक्स को तो आपको और भी चीज़ें समझ आएगी, जैसे फिगर क्लासिफिकेशंस से क्वेश्चंस अभी तो नहीं आए, लेकिन हाँ आएंगे। फिगर सीरीज के क्वेश्चन जरूर पूछा था इस बार, और फिगर मैट्रिक्स में 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले नहीं पूछा, उसके पहले और बाद में भी नहीं पूछा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिगर मैट्रिक्स। काउंटिंग फिगर्स, हाँ क्वेश्चन 22 में आया था, इस बार तो नहीं आया। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन कह सकते हो कि आ सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लॉक अलग से भी लिख दिया मैंने, जो कि 21 में केवल क्लॉक का क्वेश्चन पूछा था, कैलेंडर्स भी पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ इस बार आएंगे 24 में। फ्यूचरिस्टिक को हम उसको भी हम जज कर सकते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि यार 2-3 साल से क्वेश्चंस तो नहीं आए, लेकिन हाँ इस बार आएगा। फिगर एनालॉजी से क्वेश्चंस इस बार नहीं आए थे, लेकिन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर आप और अच्छी तरीके से देखोगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं आए थे, लेकिन आएगा। डॉट सिचुएशंस जो हैं 22 में आई थी, पजल आई थी एक, इस बार तो नहीं आई है। इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि इमेज में होता है ना मिरर इमेज, वाटर इमेज, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे इस बार। डाइस से क्वेश्चंस तो नहीं थे, लेकिन हाँ इस बार आएंगे 24 में डाइस। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स से एक क्वेश्चन था, इस तरीके से पूरा ये 25 क्वेश्चन थे। किसके? इंटेलिजेंस के, किसी में ज़्यादा हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन हाँ इस तरीके से पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके का पैटर्न होता है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले हमें देखना, हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना कि युद्ध में लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, किस तरीके के हथियार यूज़ करे जा रहे हैं दुश्मनों के द्वारा, क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, हमें उसकी तैयारी पहले करनी है। ऐसा नहीं कि हम गए बिल्कुल दौड़ शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है। दौड़ शुरू करने से पहले भी हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है कि हम फिट हैं तभी दौड़ें। इसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा एनालिसिस करके, और मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि आपको एनालिसिस करना होगा, खुद का स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एरिया मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। आज जब आप अपना खुद का एनालिसिस करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी। सबका प्लान, सबका स्टडी प्लान सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल स्टडी प्लान मैंने आपको बताया है, कुछ टिप्स भी बताएं, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं।
अगर आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पैटर्न्स को समझा, पैटर्न समझने के बाद सिलेबस को जाना, सिलेबस जानने के बाद हमने एनालिसिस करा कि किस टॉपिक से क्या आता है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको लिखना होगा ज्वाइन, और इतना काम तो आपको करना ही होगा यार, और 8770077431 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है ज्वाइन लिख करके, फिर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी जब तक आपके पेपर ख़त्म नहीं हो जाते। और सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।